अले बाबा डाउट। अच्छा अभी अभी था ठहरो। Left hand doubt for dada coming home with sweets in his pocket for doubt alone. Doubt, 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 doubt. Abhi khush ho jayega. He smiles so beautifully. He smiles so beautifully. Look at him smiling now. He smiles so beautifully. My little doubt to Baba. My little doubt to Baba. He is doubt to Baba. अच्छा ये है जी वो स्पेशल डाउट जिनकी हमने शो के आगाज से ही बात की थी। मुझे सलमानी टीज इनके बारे में बताइए, इतना प्यारा कौन है बच्चा? 6 महीने हो गए कि एतवार का था दिन, हमारे गेट के बाहर उन्होंने इसको एक बोरी में बंद करके छोड़ दिया। हमारे गेट 4 हैं, 24 घंटे चौकीदार उन गेटों पर होते हैं, लेकिन गेट हम बंद रखते हैं कि हालात आजकल ऐसे हैं। तो सिस्टर कैथरीन और एक और सिस्टर बाहर गई अपनी एक सहेली को छोड़ने के लिए गाड़ी में। उन्होंने देखा कि ये एक बोरी पड़ा हुआ साथ में, ठीक है बोरी होगा कुछ होगा, लेकिन जब देखा तो बोरी हिल रहा था। उन्होंने बोरी को खोल के देखा तो दिस ब्यूटिफुल लवली चाइल्ड कम्स आउट। ही वॉज वॉट इन साइड, ही वॉज गिवन अ बाथ, कपड़े इसके चेंज किए और हम लोगों ने नाम इसका रखा है दाऊद यहाँ पर। And we are, our doctor made out a report and everything for him. इसका ये है that his head droops. इसका head जो है ना वो गर्दन ही टिकी गर्दन, हाँ ये so we have to hold his head. Neck, he can't walk and he can't talk. हाथों में थोड़ा सा हमने देखा है कि फिजियोथेरेपी से इसका हाथों में थोड़ा सा ताकत आ रहा है, but otherwise a very sweet child, very loving child. He laughs so beautifully, he laughs such a beautifully. और उसको अभी कुछ 8 ही महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, no one has come to see him or anything. हम ये कहते हैं कि आपने उसको गेट के बाहर छोड़ दिया, फ़र्ज़ करो कि वो सिस्टर्स उस वक्त नहीं बाहर आती हैं, कोई कुत्ते बाहर आवारा घूम रहे होते हैं वगैरह सब कुछ, आप गेट पर खटखटा के फिर चले जाओ, कम से कम कोई अंदर तो ले ले इसको। हाँ। हम किसी को ना नहीं करते भाई। हाँ। आप इसको ले तो आओ, मैं बबलू बाबा। बहुत बहुत प्यार है। अच्छा यहाँ पे जैसे सर ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कोई एडमिशन फीस नहीं है, आप ले आए और इसको कर लेते हैं। सर डोनेशन का बताएं कि डोनेशन जो है वो कैसे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का ख्याल रखना, इतनी साफ सफाई, हर चीज इतनी नीट, डोनेशन जी कैसे? डोनेशन ऐसे जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारा सबसे बड़ा डोनर है, उससे हमारा आधा साल का खर्चा हो जाता है। बाकी साल के खर्चों के लिए हमारे पास डोनर्स और बेनिफैक्टर्स इतने अच्छे लोग हैं, हमारे पिछले 50 साल से हमारे साथ हैं, वो हमें फाइनेंशियल और इन काइंड देते हैं। फाइनेंशियल के अलावा हमें वो आटा, चावल, चीनी, दाल, कुकिंग ऑयल, मिल्क, सिरेलैक सब कुछ देते हैं, व्हील चेयर, एवरीथिंग। और ये है तो, और उसके बाद मुझे बताएं कि ये जो कराची के लोग हैं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो अपने जो खुशी के लम्हात हैं वो स्पेशली आकर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा एक बात और जी, आप यहाँ पर एक रुपया दें या एक टिक्की पैक का बिस्किट दें, आपको एक ऑफिशियल रिसीट मिलता है और वो हमारे ओरेकल अकाउंटिंग सिस्टम में सेव हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने अपना नाम नहीं देना कि हमने ये दिया ये वो दिया है, हमने कहा मत दें आप जो मर्जी, लेकिन तो वो कहते हैं वन पाकिस्तानी, वन मुस्लिम, वन ह्यूमन बीइंग, एक फैमिली है जो हम जानते हैं, और वो जब भी आते हैं वो कहते हैं कि हमारी फैमिली जब भी कोई चीज़ देगी आप हमारा नाम नहीं देंगे, आप सिर्फ लिखेंगे मखलूक़ अल्लाह। तो मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है, इन बच्चों के लिए आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग देते हैं। और मैं थोड़ा सा और एक बार ऐड कर लूँ कि कराची के लोग मैंने देखा है कि थोड़ा ज़्यादा बनस्पत औरों से थोड़ा ज़्यादा भी फराख दिल है। तो ये है, और हमारे पास इतने अच्छे डोनर्स हैं, हमें किसी किस्म की शॉर्टेज अगर हो जाती हम उनको फ़ोन कर देते कि हमारे पास सिरेलैक ख़त्म हो गया है या ये ख़त्म हो गया या वो ख़त्म हो गया है, आधे दिन के मतलब 3-4 घंटे के अंदर ट्रक भर के आ जाता है कि जी ये लें। तो पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है और उसी वजह से हम लोग चल रहे हैं। वी आर टोटली ऑन डोनेशंस, हम किसी से यहाँ बच्चे का कोई फीस नहीं लेते, कोई एडमिशन फी नहीं है, कुछ नहीं है, इसी में हम इसका देखभाल करते हैं, इनके कपड़े, इनके फीडिंग, इसके हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ इसी से होता है। वी आर टोटली 100% ऑन डोनेशंस। जैसे वही कि आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का नहीं पता होता कि हाँ भी अगर हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी औलाद नहीं है वो हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी औलाद अल्लाह ने उनसे ले ली और
वो उसकी याद में हेल्प करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट प्लेस, आई एम टेलिंग यू। और एक और बात, जैसे सर बोनी ने कहा ना कि पाकिस्तानी लोग बहुत फराख़दिल हैं, हमारे मुआशरे को भी फराख़दिल होने की ज़रूरत है। खुदा रहा अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, आपके आस पास कोई स्पेशल चाइल्ड, कोई चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, चाहे मैं किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, कि हमारे स्कूल्स के अंदर एक स्पेशल कोटा होना चाहिए स्पेशल बच्चों का, ताकि वो जो बच्चे पढ़े हों उनके साथ ये बच्चे मौजूद हैं, उनको पता हो कि हाँ भाई ये बच्चे भी हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर बच्चा पार्क में आके खेल नहीं रहा, हर बच्चा पढ़ नहीं रहा, हर बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे लेटे गुजार देते हैं, उनको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ, इन बच्चों के लिए हम एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं, हम इनको अभी ये मंडे को जू से होके आए हैं, ये डेंजो जू भेरिया में भी होके आए हैं, ये वेरियस पार्क्स में वाटर 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 वर्ल्ड्स में ड्रीम वर्ल्ड में गए थे और फार्म हाउसेस पर जाते हैं। सितंबर में कर्टसी ऑफ द सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने हमें इनवाइट किया। उनके एमडी फियाज अली शाह साहब ने कहा था कि 27th ऑफ सितंबर इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे, उन्होंने कहा कि कितना अच्छा दिन है कि हम अपने इन स्पेशल बच्चों को किंजर लेक का सैर कराएं। तो दे इनवाइटेड अस एंड द चिल्ड्रन स्पेंट अ फुल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट किंजर लेक ओवर देयर, हट्टा में जो है। पहली दफ़ा हमारे बच्चे कराची से बाहर गए, पहली दफ़ा हमारे बच्चों ने बोट की राइड की और बहुत इंजॉय किया, एंड थैंक्स टू द सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अभी बच्चे हमें रोज पूछते हैं कि अंकल फिर कब जाना है, कब जाना है, जबरदस्ती ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा ऐसे एक और बच्चा मैं दिखा दूँ आपको, देखिए भी उन्होंने पकड़ा हुआ जो यहाँ पे हेल्प करने वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा सबोनी, ये बच्चा, इस बच्चे के बारे में मुझे बताएं। इस बच्चे के बारे में बाजी बिल्किस बाजी 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 बिल्किस कब से काम करी है यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए, 15 साल से ऊपर हो गए। अच्छा 15 साल से, तो आप मुझे बताएं यहीं रहती हैं? रहती यहाँ पे नहीं हो, और नाइट भी होती है डे भी होती है। नाइट ये है कि रात को 6 बजे आके 8 बजे घर जाना, और सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक। कितने बच्चे संभालती हैं आप? ये हमारे पास अब 3 वर्कर हैं, 18-19 बच्चे हैं। और ये है, इसका नाम मैंने रखा है अब्दुल रहमान। तो जिस तरह माँ अपने बच्चों का केयर करती है, इसी तरह हम इनका केयर करते हैं। ज़बरदस्ती, और अल्लाह इन तमाम से लोगों को सलामत रखे। वही बात, उसी बात पर इख्तिताम करूँगी, जब डोनेशन देते हुए हमारे ये लोग इतने फराख़दिल हैं, तो आप लोग एक्सेप्ट करने में इतने फराख़दिल क्यों नहीं है? अपने दिलों को खोलें, अपनी आगोश खोलें, मोहब्बतें बांटें, एक्सेप्ट करना सीखें। और वो लोग जो स्पेशली अपने बच्चों को, अगर उनको कोई ज़रा सी उनके मुताबिक लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई माजूरे निकल आई है, यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, रोज़े महशर हिसाब होगा। बच्चे ये माजूर नहीं है, आप लोग माजूर हैं जो कि ना इन बच्चों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना इन बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। मैं इजाज़त ले रही हूँ यहाँ से, आज मुझे वाकई यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला। ये सिर्फ बच्चों के लिए सुकून की जगह नहीं है, ये हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सुकून की जगह है। दारुल सुकून से मैं मदीना नकवी इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी है, बादरी है, कल मिलेंगे अल्लाह।